बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारकली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ हाल साहब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके एक मज़ेदार सी रेसिपी, और आज हम बनाएंगे चिकन कोफ्ता, जो कि बहुत ही मज़े का तैयार होता है और खाने में भी बहुत लजीज है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग कहते हैं जी कि चिकन कोफ्ता जो बनाते हुए खुल जाता है और मज़े के नहीं तैयार होते, आज हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे चिकन कोफ्ता जो है वो आप तैयार भी करेंगे तो खुलेगा नहीं और बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो चलिए आज की रेसिपी जो है शुरू करते हैं, और इसके लिए देखते हैं हमें किन किन अज़ा की ज़रूरत है। चिकन कोफ्ते के लिए चिकन हमने लिया है बोनलेस, और इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काटेंगे। पहले हम इसके कर लेंगे छोटे छोटे पीस। काटने के बाद अभी हम चिकन को कूट लेंगे। चिकन को कूट के इसके रेशे जो है वो अच्छी तरह बारीक कर लेंगे। ये वाला चिकन हमारा माशाल्लाह जबरदस्त सा नरम सा हो गया है, और चिकन के रेशे जो है बिल्कुल बारीक बारीक से हो गए हैं। ये वाला चिकन हम इसमें से निकाल लेते हैं, और बाकी चिकन जो है वो भी हम कूट लेंगे। चिकन को हमने कूट लिया, चिकन जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो गया। अभी चलते हैं अगले मरहले की तरफ। थोड़ी सी सब्ज़ी मिर्च इस्तेमाल करेंगे और इसको हम बारीक बारीक काट लेंगे। अदरक और लहसुन को कूट लेंगे। थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे धनिया, और धनिया को भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। और अभी कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। चिकन के ऊपर डाल लेंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन, कटा हुआ सब्ज़ धनिया, कटी हुई हरी मिर्च भी हम डाल लेते हैं, खुश मसाला जात, धनिया पाउडर, काली मिर्च, ज़ीरा, मिक्स गरम मसाला, नमक, और थोड़ा सा डाल लेंगे बेसन। अभी इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया, और अभी हम बना लेंगे चिकन के बॉल। बॉल बनाने के लिए थोड़ा सा ऑयल जो है वो हाथों पे लगा लेंगे, ताकि मटेरियल जो है वो हाथों के साथ ना लगे, और इस तरह कोफ्ते के बॉल जो है वो हम तैयार कर लेंगे। इस तरह के बॉल तैयार किए हुए जो है वो इंशाल्लाह कोफ्ते को फ्राई करते हुए खुलेंगे नहीं। बॉल को तैयार करने के बाद हम इस साइड पर रखते जाएंगे। कोफ्ते के बॉल का साइज़ जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, और कोशिश करें कि बॉल जो है वो छोटा हो ताकि अंदर तक फ्राई होते पक जाए। कोफ्ते के बाल हमारे तैयार हो गए, और अभी चलते हैं चूल्हे की तरफ। चूल्हे में आग हमने जला ली है, और कढ़ाई को रखते हैं चूल्हे पे। कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया, अभी कोफ्तों को फ्राई करते हैं। एक टाइम में ज़्यादा बॉल हम नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े बॉल करके इनको हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते के बाल डालने के बाद कोफ्ते को चम्मच की मदद से फ़ौरन नहीं हिलाएंगे, थोड़ी देर के लिए इसे हम वैसे पकाएंगे और कढ़ाई को हिला लेंगे, ताकि कोफ्ते जो है वो थोड़ा सा पक जाएं। अगर आप फ़ौरन से चम्मच चलाएँगे तो कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे। कोफ्ते को थोड़ी देर के लिए पका लिया, और अभी इसकी साइड चेंज करते हैं। अभी हम कोफ्ते के बाल की साइड जो है चेंज कर लेंगे, और माशाल्लाह कोफ्ते के बाल जो है हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार हो रहे हैं। ये वाले बाल हमारे तैयार हो गए हैं, और माशाल्लाह कलर बहुत ही ज़बरदस्त था, और बाल जो है वो भी गोल गोल से, कोई भी बाल जो है वो खुला नहीं है।
इसी तरह कोफ्ते के बाकी बाल जो है वो भी हम फ्राई कर लेंगे। कोफ्ते के बाल हमारे तैयार हो गए हैं, फ्राई हमने कर लिए हैं और अभी कोफ्ते के लिए मसाला जो है वो तैयार करते हैं। दूसरी कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे पे, कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल को गर्म होने देते हैं और ऑयल के गर्म होने तक काट लेते हैं प्याज, और प्याज को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। ऑयल गर्म होकर कढ़ाई में डाल लेते हैं प्याज। प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लेंगे। सब्ज मिर्च काट लेंगे। और टमाटर को हम ग्राइंड कर लेंगे। प्याज को नरम होने तक फ्राई कर लिया और अभी हम डाल लेते हैं ग्राइंड किया हुआ टमाटर। टमाटर को भी पानी खुश्क होने तक पका लेंगे। टमाटर को भी हमने पका लिया और टमाटर ने भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दी है। अभी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं खुश्क मसाला जार, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक। मसाला जार डालने के बाद अभी मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। खुश्क मसाला जार को थोड़ी देर के लिए भून लिया और अभी हम कढ़ाई में डाल लेते हैं कुटा हुआ अदरक और लहसुन। अभी अदरक और लहसुन को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। मसाले को हमने भून लिया और माशाल्लाह मसाला हमारा जो है ज़बरदस्त तैयार हो रहा है। मसाले के साथ अभी हम कढ़ाई में डालेंगे सब्ज़ मिर्च, कुछ हमने साबुत इस्तेमाल की और कुछ हम इसमें काट के डाल रहे हैं। सब्ज़ मिर्च को भी थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। हरी मिर्च डालने के बाद थोड़ी देर के लिए मसाले को मज़ीद पका लिया और मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो गया और अभी हम मसाले के साथ कढ़ाई में डाल लेंगे थोड़ा सा पानी। और कोफ्ते के लिए जितनी हमने ग्रेवी बनानी है उतना हम इसमें पानी डाल लेंगे। पानी डालने के बाद अभी हम कढ़ाई के ऊपर से डाल देंगे। मसाले को तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए डाम के पका लेंगे। मसाले को डाम के पकाते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और अभी हम ढक्कन खोलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह मसाला हमारा ज़बरदस्त तैयार हो गया और अभी हम कढ़ाई में डाल लेंगे कोफ्ते के बॉल। बॉल डालने के बाद एक दफ़ा मसाले के साथ इन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद दोबारा से कढ़ाई को ऊपर से डाम देंगे। कढ़ाई को डामने के बाद हल्की सी आंच पे तकरीबन 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ग्रेवी मसाला जो है कोफ्तों का वो कोफ्तों के अंदर अच्छी तरह जज़ब हो जाए। कोफ्ते को 10 मिनट के लिए हल्की सी आंच पे पका लिया और अभी हम कोफ्ते को खोल के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तो खुशबू जो है बहुत ही मज़े की। एक दफ़ा हिलाएंगे और हल्के से चम्मच से हम इसे हिलाएंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन कोफ्ता जो है ज़बरदस्त तैयार हो गया और अभी हम कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। तो माशाल्लाह कोफ्ते हमारे जो है बहुत ही मज़ेदार तैयार हुए और खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियाँ, एक दफ़ा हिलाएंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे चिकन कोफ्ता जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ है और कोफ्ते जो है वो इतना पकाने के बावजूद खुले नहीं हैं और ज़बरदस्त हमारा चिकन कोफ्ता जो है तैयार हुआ है। अभी हम आपको प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। आप भी हमारे तरीके को फॉलो करते हुए इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा।
और माशाल्लाह कोफ्ते की ग्रेवी जो है वो भी बहुत ही ज़बरदस्ती तैयार हुई है, और देखते ही जो है वो मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है कि माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त कोफ्ते जो है वो हमारे तैयार हुए हैं। और अभी हम आपको गर्मा गर्म चिकन कोफ्ता जो है वो टेस्ट करके बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी अजमत साहब, चिकन कोफ्ता कैसा तैयार है? माशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत ही मुनफरिद सा टेस्ट है इसका। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले खाना खाया, लेकिन फिर भी दिल चाह रहा है कि और दोबारा से एक दफ़ा शिफ्ट लगा ली जाए। बहुत ही मज़ेदार। जी बेटे को भी चिकन कोफ्ते का मज़ा आया? तो माशाल्लाह ये हमारा चिकन कोफ्ता जो है बहुत ही मज़े का तैयार हुआ। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी, पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ, और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुँच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा, और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।